तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ वापस। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक से एक मतलब ट्रिक बताया है कि आप लोग कैसे अपना फ़ोटो को एकदम प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है। और इतना मस्त मतलब फ़ोटो को फेस स्मूथ कैसे इतना मस्त कर सकते हैं, और अपने फ़ोटो पे मतलब अपने पोज के हिसाब से इंस्पिरेशन कैसे दे सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को यही बार मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जितने लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस वाले बैकग्राउंड को हम लोग को पिकशार्ट में लेकर चलना है। तो यहाँ से हम पिकशार्ट में सेंड कर लेते हैं, और पिकशार्ट में जाने के बाद देखिए आप लोगों को क्या क्या करना है, पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, रिसाइज कर लेंगे अपने फोटो को। तो यहाँ से हम लोग सिंपली रिसाइज कर लेते हैं। तो 3098 क्लिक लेते हैं और यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं। तो फोटो रिसाइज होने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पे आना है, सेकेंड वाला चूज कर लेना है, और कुछ इतना ही ब्लर रख लेना है। उसके बाद यहाँ से डन कर लेते हैं। डन करने के बाद देखिए क्या करना है, हमें अपना फ़ोटो को यहाँ पे लगाना है जो हमारा मॉडल होगा। तो उसको सिंपली यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ से ये वाला हम लोग मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से कुछ ऐसे एडजस्ट करके लगा देना है। देखिए कुछ ऐसे करके लगा देना है। उसके बाद से क्या करना है हमें, और देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ से डन कर लेते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ से हमें इफेक्ट ऐड करना है। तो सिंपली हमें वहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ से हम ये वाला लाइट चूज कर लेते हैं, और यहाँ से ब्लेंडिंग पे जाके यहाँ से ब्लेंड कर लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं, और यहाँ पे लगा लेते हैं सिंपली। देखिए कुछ ऐसे आया रहता है, तो लगता है कि फोटो एकदम रियल है, ठीक है। तो कुछ इतना होने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद एक और हमें इफेक्ट ऐड करना है, तो यहाँ से सिंपली उस पर हम चलते हैं और उसे भी ऐड करते हैं। यहाँ से ये वाला इफेक्ट हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से ऐड कर लेना है, और कुछ ऐसे एडजस्ट करके लगाना है। तो देखिए ये एकदम ब्लेंड हो चुका है, मतलब बैकग्राउंड से ये मैच कर रहा है। तो यहाँ से इतना होने के बाद इसे डन कर लेते हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही फोटो एडिटिंग करना है, आप लोगों को पहले अपना कटआउट कर लेना है फोटो को, उसके बाद से ये बैकग्राउंड लगा के उसके बाद से यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से इतना होने के बाद देखिए अब क्या बच गया, अब बच गया है मेरा मतलब एक बच गया ऑल बेंड, और क्या बचा है स्मूथ करना, ठीक है। तो यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद उस वाले फोटो को क्या करना है हमें, इस वाले फोटो को अब हमें ले जाना है फेस ऐप में, ठीक है। तो आप लोग फेस ऐप में सिंपली इसे सेंड कर लीजिएगा। उसके बाद से दिखा रहे हैं आप लोग को मतलब अपने फेस के ऊपर इंस्पिरेशन कैसा लगता है, तो आप लोग को दिखाते हैं। तो ये नेट से चलता है, तो आप लोग अपना डाटा ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इंस्पिरेशन यहाँ पे दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से सिंपली ये पैशन वाले पे क्लिक कर देना है, उसके बाद से यहाँ पे वीडियो वॉच कर देना है। तो ये वाला आप लोगों को देख लीजिए पैशन लिखा है ना, ये वाला आपने फेस के ऊपर एड करना है। तो आप लोगों को मतलब आप लोगों का फेस मतलब बहुत ही मस्त दिखेगा। यहाँ से इस वाले को क्लिक कर लेते हैं। तो एड देखने के बाद मैं इसे दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखिए मैंने एड देख लिया है, उसके बाद से आप लोग देखिए ये कैसे होता है। तो यहाँ से इस वाले पे जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मेरा फेस का इंस्पिरेशन देखिए, देखिए कितना मस्त हो रहा है। तो पहले कैसा था, फर्स्ट वाले देख लीजिए, फर्स्ट वाले में ऐसा था, ठीक है। और पाँचवें नंबर वाला पे ऐसा देख लीजिए कैसा हो गया है, ठीक है। तो इसे बहुत ही आप लोगों को फेस पे शार्पनेस आता है और अच्छा लगता है। ऐसे बिफोर आफ्टर देख लीजिए, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, थोड़ा चेंजिंग है लेकिन बहुत ही मस्त लगता है। तो हमें तीसरे वाले के ऊपर करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है और यहाँ से सेव कर लेना है। अब इसे ले चलते हैं रिमनी करने के लिए। तो यहाँ से हम सिंपली से रिमनी में सर्च दे देते हैं, यहाँ से सिंपली से सेंड करते हैं रिमनी में। और रिमनी में जाने के बाद इस पर भी भाई एड देगा, तो इसे भी देख लेते हैं। उसके बाद से आप लोगों को बताते हैं फेस स्मूथ करके। तो वीडियो को मतलब स्पीक आप लोगों को नहीं करना है, थोड़ा भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। ये तो थोड़ा भी पार्ट स्किप करेंगे उसके बाद से आप लोग मतलब उतना एच डी में फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एड दे लेता हूँ, उसके बाद से आप लोग से मिलता हूँ।
यहाँ से देख लीजिए मेरा फ़ोटो कैसा था अब कैसा हो गया, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है बहुत ही मस्त अब लग रहा है। तो यहाँ से इसे सिंपली सेंड करके मतलब सेव कर लेते हैं, उसके बाद से ले चलते हैं इसके स्केच बुक के अंदर। तो जैसे जैसे मैं सेंड करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों का भी अपना फ़ोटो सेंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से उस वाले फ़ोटो को एड कर लेते हैं, तो यहाँ से इसे सेंड कर देंगे आप स्केच बुक के अंदर। और यहाँ से देखिए आप लोग को कौन सा वाला ब्रश चूज करना है, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ से इस वाले पे जाना है, सबसे नीचे जाना है, ठीक है। उसके बाद ये इधर से राइट से दूसरा नंबर वाला है चूज करके सेटिंग देख लीजिए 13 और लो को रखना है 7 और साइज अपने हिसाब से। तो साइज मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ कुछ 24 के आसपास। उसके बाद से अरे यार ये तो दूसरा फोटो आ गया, सॉरी तुम्हें वो वाला जो एसी में हुआ है फोटो उसको लाते हैं, उसे सेंड करते हैं। अब इसे स्मूथ करते हैं, तो देखिए कुछ ऐसे आराम आराम से आप लोगों को स्मूथ करना है, देखिए कितना मस्त लग रहा है फोटो। तो जैसे जैसे मैं बताया हूँ वैसे वैसे आप लोगों को भी फ्लो को स्ट्रेंथ को रखना है, मतलब सेटिंग मतलब बढ़िया से रखना है। उसके बाद से ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप लोग देखिए यहाँ से हमारा फेस स्मूथ हो चुका है, ठीक है। अब इसे सेंड करते हैं हम सिंपली टूल व्यूज में, क्योंकि हमें ऑयल पेंट करना है, क्योंकि मेरा जो हेयर है वो बहुत ही बेकार लग रहा है इस टाइम। रेमनी करने के बाद वो फोटो का हेयर बहुत बेकार लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी रेमनी करने के बाद यहाँ से टूल व्यूज में जाके ऑयल पेंट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चलते हैं, सॉफ्ट स्मूथ पर चलते हैं, ठीक है। इफेक्ट पे जाके सॉफ्ट स्मूथ पे आना है, उसके बाद से यहाँ पे कोई भी आप लोगों को चूज कर लेना है, तो मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, ठीक है ये वाला। और इसे लाने के बाद मास्क पे जाना है और यहाँ से क्लीन कर लेना है, ठीक है क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद यहाँ से आप लोगों को ऐसे अप्लाई कर लेना है अपने बालों पर कुछ इस टाइप से, और मैं अपने बियर्ड पर भी अप्लाई कर लेता हूँ, सॉरी इस पर अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा कम पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से इस पर कर लेते हैं। तो कुछ इतना करने के बाद यहाँ से डन कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना होने के बाद मैं अपने बियर्ड पे भी थोड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ से नीचे जाएंगे मास्क कर लेंगे और क्लीन करके अप्लाई कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, तो मेरा फ़ोटो बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए आप लोग भी कुछ ऐसे ही फ़ोटो अपना एडिट कीजिए, ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन टैग कीजिए, मैं आप लोगों को मेंशन बैक जरूर करूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।